उत्तर प्रदेश में आपके पुराने सहयोगी रहे स्वामी प्रसाद मौर्य भी लक्ष्मी जी को टिप्पणी कर रही है? नहीं, वो संविधान को नहीं मानते। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संविधान में सभी धर्मों को अपने अपने हिसाब से मानने की व्यवस्था दी है। किसी धर्म के खिलाफ किसी को टिप्पणी करने का अधिकार नहीं, वो संविधान को नहीं मानते। और जब 5 साल मलाई खा रहे थे, चमचम काट रहे थे और भाजपा का रसगुल्ला ले रहे थे, तब तो नहीं याद आए। 5 साल भी चुप, लक्ष्मी जी की पूजा हुई, दुर्गा जी की पूजा हुई, चौपाई रामायण भी हुआ, तब उस समय नहीं बोले। सत्ता से बेदखल होने के बाद एक एक बात बता दी अंदरूनी आपसे। जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए हट करके समाजवादी पार्टी सहयोग करेगी, अकेले चुनाव लड़ेगी, इस नाते वो देखते जाइएगा। फिर और बसपा तो अकेले लड़ेगी, क्या लगता है? कहीं लड़ाई नहीं है देश में, कहीं लड़ाई नहीं है। हम अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, छोड़ दीजिए दुनिया की बात, हम लोग गाजीपुर लोकसभा में खड़े हैं। आप बताइए कैसे जीती हैं लोग, कैसे जीती हैं? ममता जी आके वोट दिए हैं, लालू जी दिए हैं, केसीआर आके दिए हैं, के वोट दिए हैं आके, जयंत जी यहाँ वोट दिए हैं, यहाँ वोट दिले हैं तो ओम प्रकाश राजभर, यहाँ वोट दिलाएंगे तो संजय निषाद, यहाँ वोट दिलाएंगे अनुप्रिया पटेल, चाहते सब भाग खड़ा हुई है। ओबीसी का पूरा वोट आप भाजपा को और एनडीए को दिलाएंगे? भैया हम आने के संगे जितना जने भाई हैं, भारतीय समाज पार्टी का वोट, निषाद पार्टी का वोट, भारतीय जनता पार्टी का वोट, अपना दल का वोट, ये तो वोट वाली पार्टी है ना। अब जितना उनका गठबंधन कह, अब बताए कांग्रेस का कई वोट है, कितना वोट कांग्रेस चाहती? लड़के तो देखे तो भाई नहीं दिए, तो स्थिति यहाँ लड़ाई नहीं है। उत्तर प्रदेश में लड़ाई नाम की चीज नहीं है। हाँ, 4 सीट है, टिकट के बंटवारे में हो सकता है लड़ाई में खड़े हो जाए, जीती है ना सर। ओम प्रकाश जी, अभी जो 2024 का चुनाव हो गया है, आपका दल 5 सीटें पिछली बार याद है, इस बार आप कितनी सीटें मांग रहे हैं लोकसभा? नहीं, हम 5 नहीं मांग रहे, 2 मांग रहे, इस बार 3 मांग रहे। 2017 के बाद आप बताइए भारतीय समाज पार्टी की ताकत बढ़ी है कि घटी है? सही है ना, 4 से 6 MLA हुए, यूपी से बढ़ के बिहार चले गए, पंजाब चले गए, दिल्ली चले गए, गुजरात चले गए, महाराष्ट्र चले गए, चारों तरफ हाहाकार मचाए हुए हैं। वो कौन से 3 सीट है आपके लिए? अब जो भी सीट यूपी में जो भी सीट दे देंगे वो सब जीत जाएंगे। आप चलो बिहार में भी मांग रहे हैं, 2 सीट मांग रहे हैं, कौन कौन सी? देखिए, एक तो नवादा की सीट जहाँ 4 लाख अकेले राजभर का वोट है, राजभर, रजवार, राजवंशी, राजपुर, 4 लाख वोट है, अकेले चपती हैं तो 2.5 लाख वोट करेंगे सर, भाजपा को वोट मिल जाएगी। वो अन्ना मजीतर राम माझी जी भाई, उधर हमारे पासवान जी हैं, चिराग पासवान जी, सब लोग मिलकर बहुत चापल जाए सही। लग रहा है कि उत्तर प्रदेश के अलावा बिहार में भी आप पर लड़ाई बहुत टफ होगी, जहाँ नहीं लोग मानते थे वहाँ लड़ाई एकदम काटे की होने जा रही है बिहार की। तो ये माना जाए कि 3 यूपी में और 2 बिहार में, टोटल 5? हाँ, 5 मान लीजिए, जोड़ में तो 5 है। उठा अभी एक बयान आया था नीतीश कुमार जी का, जो विधानसभा में उन्होंने दिया, फिर उन्होंने विधान परिषद में भी एक बात की, लेकिन उसके बाद उन्होंने माफी मांगी। इस तरह की जो बयान है नेताओं को, ये शोभा देते हैं? नहीं, ये बयान शोभा नहीं देता है। उन्होंने माफी मांग ली तो प्रकरण ही समाप्त हो जाता है। जब एक बड़ा नेता गलती कर लेता है तो अगर वो गलती की माफी मांग लेता है तो प्रकरण में खत्म हो जाता है। एक किंवदंती है, कहावत है कि हिंदू धर्म के जो 60 के ऊपर जाते हैं तो कभी कभी जवान लड़खड़ा जाते हैं, कोई तो सही हो गया है। नहीं, हम इस्तीफा मांगने वाले कौन है? अरे वो जनता ने चुना, वहाँ के जनता ने दिया है। 24 में खुद समझा देगी कि इस्तीफा देंगे कि क्या करेंगे, 24 तो आ ही गया, क्या महीना। अभी आपके उत्तर प्रदेश में आपके पुराने सहयोगी रहे स्वामी प्रसाद मौर्य भी लक्ष्मी जी को टिप्पणी कर रही है? नहीं, वो संविधान को नहीं मानते।
बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संविधान में सभी धर्मों को अपने अपने हिसाब से मानने की व्यवस्था दी है कि किसी धर्म के खिलाफ किसी को टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। वो संविधान को नहीं मानते। और जब 5 साल मलाई खा रहे थे, चमचम काट रहे थे और भाजपा का रसगुल्ला ले रहे थे, तब तो नहीं याद आए। 5 साल भी चुप। लक्ष्मी जी की पूजा हुई, दुर्गा जी की पूजा हुई, चौपाई रामायण भी हुआ, तब उस समय नहीं बोले। सत्ता से बेदखल होने के बाद एक एक बात बता दी अंदरूनी आपसे।